हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक नया गाना आया हुआ है। रणबीर कपूर हैं इसमें, आलिया भट्ट हैं, और गाने का नाम है स्माइल देके देखो। और अमित त्रिवेदी और सुनिधि चौहान इसमें दिख रही हैं हमें, शायद उनकी आवाज़ हो। और मेन चीज़ क्या है कि यार देखो, अगर बात करें हम रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर का बहुत टाइम हो गया और हमने उनको देखा नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई मूवी आ रही हो किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, लग रहा है काफी बड़ा में लगे हैं, या फिर ये जवानी है दीवानी की तरह वो घूमने निकल गए हैं कहीं पे वर्ल्ड टूर करने। और आलिया भट्ट भी कहीं कोई मेजर, आलिया भट्ट का तो यूं है, जैसे छोटी मोटी मूवी थोड़ी बड़ी मूवियों में तो दिख रही हैं वो, लेकिन मेन क्या है कि रणबीर कपूर हमें बहुत टाइम से नहीं दिख रहे हैं। या तो किसी मूवी पे काम कर रहे हैं, या फिर ब्रेक लिया हुआ उन्होंने। ब्रेक का तो पता नहीं यार, क्योंकि शायद क्या पता बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो उनकी अच्छी से अच्छी मूवियाँ आती गई हैं उसके हिसाब से वो एकदम से गायब दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यार मुझे लग रहा है कि या तो वो कोई बहुत अच्छी मूवी प्लान कर रहे हैं जो हिडन है और किसी को पता नहीं है, उस पर काम चल रहा है, वो मूवी एकदम से रिलीज होगी और फिर धमाका होगा इंडस्ट्री में कुछ ऐसा, और या तो फिर वो निकले होंगे यार, जैसे ये जवानी है दीवानी में वो निकले हुए थे अपने टूर पे घूमने में, तो वैसा ही लग रहा है मुझे कि निकल गए यार टूर पे, वो घूम रहे हैं आराम से, या फिर कोई ऐसा सदमा वदमा तो नहीं लग गया है यार भाई को कि भाई गायब हो गए। और बट तो यार अभी एक्टिंग तो उनकी है ही है, और साथ में बहुत क्यूट सी लगती हैं, क्यूट सी हैं, और गाना भी वैसा ही है क्यूट सा, स्माइल देके देखो। स्माइल देके देखो मतलब यार लड़की पटाने का एक नया तरीका, अभी पता नहीं कि लड़की स्माइल दे रही है या लड़का स्माइल दे रहा है, अब पटाने के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गई है, स्माइल देके देखो तो सामने वाला या सामने वाली रिएक्ट कर दे स्माइल के साथ, तो समझ लो तुम्हारी बात बन सकती है। अगर नहीं रिएक्ट करती है तो यार कोई बात नहीं, हाँ ट्राई करो ना यार। तो चलो गाना तो देखते हैं पहले। बंद हो गई क्या गाड़ी? गाड़ी है, मैजिक है, लेट आ रही है। अच्छा लेट पे स्माइल। कुछ भी मिले ना अगर कहने को, इतनी भी क्या है फिकर रहने दो, बातों को तो बहना है बस बहने दो, बहने दो। Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile दो Smile दो मुस्कुरा लो, Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile के देखो 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 देखे देखे देखो, Smile दो Smile दो मुस्कुरा लो, Smile के देखो। स्माइल देख के देखो, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने लेस के वो लगाए हैं इन्होंने, तो लेस की आई लग रही है, क्योंकि जैसे ही स्माइल की बात हो रही है लेस का आंख लगा दे रहे हैं, और इसमें लेस बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्योंकि मेन चीज क्या होता है वैसे ना दिखे लेकिन इसमें लेस बिल्कुल साफ दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये लेस की एड है या क्या है,
लेकिन गाना बहुत गाना बढ़िया है यार, स्माइल देखे देखो। तो ये जनरल सा गाना है, मतलब कुछ नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हो बस स्माइल दो, खुश रहो, और बंदा जो सामने वाला परेशान है वो भी शायद उसकी टेंशन भी दूर हो जाए। और सबसे मेन चीज़ यार देखो, छोटी सी लाइफ है, इस छोटी सी लाइफ में स्माइल तो करना ही होता है, और स्माइल एक छोटी सी करनी होती है। बच्चों की बिल्कुल क्यूट सी आती है, लड़कियों की हमें बिल्कुल स्वीट सी लगती है, और लड़कों के त्यौहार से लगता है कि रावण हो रहा है। तो लड़कों की भी स्माइल अच्छी होती है कईयों की, लेकिन मोस्टली क्या होता है लड़कों को ही जब लड़के आते हैं तो एक ही बात, क्यों शैतान की तरह हंस रहा है, रावण की तरह हंस रहा है, तो मोस्टली ये सुनने को मिलता है। लेकिन स्माइल, स्माइल यानी बिल्कुल छोटी सी स्माइल देनी है, ताकि एक ही चीज समझ में आए कि यार जब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को लाइन मारनी हो, तो उसे हल्की सी स्माइल पास करो, जो आपके लिए अननोन हो तो उसे हल्की सी स्माइल पास करो, आपको लगता है कि सारे स्माइल आ गई दूसरी तरफ से, तो फिर बात आगे बढ़ाओ। पर ये है थोड़ा सा माइंडसेट जैसे बना हुआ दुनिया का, कि लड़के अगर स्माइल कर दें तो भाई कुछ मतलब कई बुरा भी मान जाती हैं लड़कियां, और लगता है कि कुछ ये गड़बड़ है। हाँ। और लड़कियां करें तो भाई तब तो लड़के खुश हो जाते हैं। अब तो देखो यार, देखो इसमें तो हम कर ही सकते हैं स्माइल, तो क्योंकि जिस हिसाब से बोला है इसमें कि स्माइल दे के देखो, देखे देखो यार, जो थप्पड़ खाना है या फिर बात बननी है, वो तो अपने ऊपर है, अपनी किस्मत के ऊपर है, कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो यार कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये चीज हो जाएगी। बाकी यार गाने की बात करते हो, डांस स्टेप जो थे इसमें बहुत ही बढ़िया थे, दो तीन नए डांस स्टेप आए हैं, ये वाले तो एक कंधा ऊपर करके एक कंधा नीचे करके टांगों से और हाथों से, बहुत अच्छा, यानी एक साइड का डांस है वो बिल्कुल, और उसके बाद ज्यादा स्टेप तो थे नहीं, ज्यादा नहीं थे, और दोनों ने डांस बहुत बढ़िया किया, वो रणवीर कपूर की बात कर लो चाहे अपने आलिया भट्ट की, और लोकेशन ऐसे चूज करी है, बिल्कुल डायरेक्शन ऐसे दिए ना कि वहां से उतरे, गाड़ी खराब हुई, स्टैंड पे बैठे हैं, फिर वो आगे गए और वो रणवीर कपूर वहीं बैठे बैठे सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि हां आगे जाएंगे, ये होगा ये होगा। उसमें वीडियो में ऐसा लग रहा था कि कहीं वीडियो कहीं रुका ही नहीं है, कहीं कट लगा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था, पर वो वहां चेंज हो रहा था, और फिर गाड़ी से गाड़ी वाला सीन बहुत अच्छा लगा, वो गाड़ी तक बैठे की सवारी बैठे की बैठेंगे लोग, ये और एक दरवाजा खोला, उधर से चढ़ गए और उधर जाके सीधे पब में एंट्री डिस्क में, और उसके बाद बाहर निकल गए, और उसके बाद तो फिर भाई साहब स्माइल स्माइल दी, और फिर थोड़ी देर में होश आ गया कि गाड़ी ठीक हो गई है उनकी, और वो इमेजिनेशन थी रणवीर कपूर की, और इमेजिनेशन में तो भाई कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन तो यार बहुत बड़ी चीज है कि उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, दुनिया इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आप खुद हीरो होते हो इमेजिनेशन में। तो बढ़िया गाना है लेके आए, गाना अच्छा है यार, और बाकी रणबीर कपूर की तो यार बात ये लगा कि उनके जब डांस मूव, जैसे ऋतिक की बात करते हैं, ऋतिक की तो बराबरी करना बहुत मुश्किल है यार, लेकिन रणबीर कपूर भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा होगा दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, उसने बहुत अच्छा डांस किया था उन्होंने उस गाने में, उसमें देख के यार मेरे को लगा कि हाँ यार सच में डांस होना चाहिए। और जैसा आजकल हमें सुनने को मिल रहा कि रणबीर और आलिया का कुछ चल रहा है, सुना ही है वो तो यार देखो, अब वो तो सच्चाई पता लगेगी, अब क्या पता ये स्माइल दे दे के काम हो गया और थोड़ा बहुत आगे बात बढ़ गई हो, दोनों ने स्माइल दी वो और दोनों मिल गया। आजकल तो स्माइलें भी यार वहां जाती है ना, ट्विटर पे, इंस्टा पे, ऐसे छोटी मोटी जगह तो जाती नहीं है, और मेन चीज क्या है, यहाँ पे स्माइल ऐसे पास हुई वहां पे गई, और वहां से स्माइल का क्या रिएक्ट आया वो डिपेंड करता है, और वही चीज यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये बढ़िया गाना एक लेके आए हैं, काफी दिनों के बाद रणबीर कपूर हमें देखने को मिले हैं गाने में, और सुनिधि चौहान की आवाज बहुत अच्छी है, सुनिधि चौहान की आवाज तो बढ़िया है, अमित त्रिवेदी तो वैसे ही बहुत ही अच्छी आवाज है उनकी भी, तो गाना बहुत बढ़िया है ये, आपको कैसा लगा ये गाना हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, ताकि आपको मिल सके जो नए नए गाने आते हैं, नए नए वीडियो ट्रेलर आते हैं मूवी के, उनका रिएक्शन आपको फटाफट मिल सके, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन भी दबाओ फटाफट, और लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं वो भी आप ज़रूर देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।